वैसे इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 y² ये होगा फोन का वॉल्यूम, यही होगा ना। टोटल सरफेस एरिया है वो गिवन है कि वो कांस्टेंट है, h इक्वल टू होता है पाई r स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर r स्क्वायर प्लस पाई r। ये टोटल सरफेस एरिया, ये कांस्टेंट है। तो हम इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लेते हैं, वो क्या आएगा, s माइनस पाई r स्क्वायर कॉस पाई r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ से इसका स्क्वायर किया, h माइनस पाई r स्क्वायर बाय पाई r इसका होल स्क्वायर, ये बनेगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये स्टेप समझ आया आपको। फिर h स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, s माइनस पाई r स्क्वायर बाय पाई r होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। फिर आपको x मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस, इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहा है, x माइनस पाई r स्क्वायर इसका होल स्क्वायर और पाई स्क्वायर r स्क्वायर r स्क्वायर माइनस r क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसका होल स्क्वायर s स्क्वायर माइनस s r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r फोर माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा तो पाई स्क्वायर r फोर ऑन पाई स्क्वायर r स्क्वायर ये हुआ है। ये टर्म कैंसिल हो गए, आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर ऑन पाई स्क्वायर r स्क्वायर। ये आपके पास x, ये है कि यहाँ अब ये आपको क्या मिलेगा, 1/3 by r square square root of s square minus 2 by s r square by y square r square। स्टेप किसी को डाउट, अब हमें dv by dr फाइंड करना है, dv by dr इक्वल बताइए दोनों प्रोडक्ट फंक्शन बना लेते हैं पहले सर, सर फायर के फायर ये कॉमन निकालूंगा। हां तो ये कितना बन जाएगा, 1/3 फाइव को कैंसिल हो जाएगा, आर बचेगा ठीक है, आर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर सी माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर। अब ये तो ओनली वी हुआ, अब dv / dr 1/3 कांस्टेंट बोलो r का 1 ये टर्म है s स्क्वायर माइनस 2 पाई s r स्क्वायर प्लस r है इसका डिफरेंस 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस 2 पाई s r स्क्वायर इनटू s स्क्वायर का 0 माइनस 2 पाई s और r स्क्वायर का 2r। जब पे किसी को डाउट, अब ये क्या बनेगा देखो, 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस 2 बाय एस आर स्क्वायर प्लस इसको देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, इसको मैं माइनस लिखूं माइनस 2 बाय एस आर स्क्वायर 2 बाय एस आर स्क्वायर। तो इसका क्या देखो अपन में क्या मिलेगा, ये तो ये न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, मतलब s स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई s r स्क्वायर होगा। क्या ये समझ आया आपको, किसी को डाउट। अब ये s और s तो कैंसिल हो गया, s अपॉन 4 पाई ये किसके इक्वल r स्क्वायर,
तो आर कितना चाहो तो उसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करके देख सकते हो, ना हमें पता है कि क्या है। ठीक है, अब आपको ये मिल गया आर वैल्यू, एच मिल जाएगा यहाँ से, एच मिल जाएगा बोलो, एच में आर स्क्वायर की वैल्यू ये पुट करता हूँ, यहाँ से देखना इसमें आर स्क्वायर ये पुट करता हूँ तो मुझे एच क्या मिल गया, एच पहले थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूँ, इन दोनों का डिवीजन बोलो क्या आएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा अब मुझे बताना ये अल्फा है, एक्स और आर है आपके पास, अगर टेन अल्फा फाइंड करो तो क्या मिलेगा, टेन अल्फा आर की वैल्यू एक्स बाय फोर और उसकी वैल्यू फाइव किसी को डाउट नहीं। अब ये दोनों रूट के अंदर कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा tan alpha equals to 1 by 2 तो alpha equal to tan inverse 1 by 2 ये आपसे पूछा है, मतलब जिसने सॉल्व किया वो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने गलत किया।
बातें नहीं करोगे ये सॉल्व करो।
माइनस एक आएगा सर उधर सर वहाँ उसके ऊपर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू ए के तो सही है सर उसके नीचे वाला है माइनस ए के स्क्वायर माइनस टू ए के ओके कॉमन ए माइनस टू ए माइनस ए इक्वल टू ए इक्वल टू बी
करूंगा तो सी इक्वल टू टू ए कितना मिला डाउट है किसी को? ये नोट करो जल्दी से, नेट पर प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन भी करना है, जल्दी कर दो। इन वाले क्लास में मैं 6.5 ना इसकी कोचिंग करवाऊंगा। दूसरी टॉपिक दूसरी क्लास के अंदर मैं करवाऊंगा आपके लिए। Thank you.
सर सर अल्फा बीटा के वैल्यू अल्फा के 1 बाय रूट और बीटा के रूट का सबसे पहले तो क्या आप लोगों को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है पैराबोला के पैराबोला के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है एटी स्क्वायर तो हमारे लिए नहीं सर्कल के आप एलिप्स के ए कॉस थीटा बी साइन थीटा हाइपरबोला के ए साइन थीटा बी साइन थीटा ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग कोनिक सेक्शन पढ़ते हैं नाम का पक्षी तो मैंने देखा ठीक है x square by root 3 का मतलब ये डिस्टेंस कितनी root 3 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट √3,0 इस पॉइंट के −√3,0 और ये डिस्टेंस 0,2 इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर भी कोई पॉइंट रेड करता हूं तो उस पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे और बताएं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे किसी को डाउट अब देखिए क्या पूछा फाइंड द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा फॉर द प्लेन ये है अल्फा कॉमा बीटा यही पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सो दैट द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लाइन y इक्वल टू x y इक्वल टू x लाइन ये रही y इक्वल टू x y equal to x line ये y equal to x line है दूसरी line y equal to beta y equal to beta कौन सी होगी अगर ये point यहाँ है तो ये होगी y equal to beta तीसरी line x equal to alpha ये x equal to alpha line ठीक है और x axis ये है आपका
आपसे एरिया पूछा है ये पूछा है, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया हो गया अपना ए, सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये दोनों, ये दोनों, अब ये लेंथ कितनी है, अल्फा, ये अल्फा कॉमा बीटा, ये अल्फा हुई प्लस ये कितनी होगी, इस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को बता सकता है, अब इसके लिए ध्यान से सुनो, ये y equal to x line है, y equal to x line है ना, और ये क्या है, y equal to beta, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y कोऑर्डिनेट beta होगा, है ना, y equal to beta और y equal to x किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, beta पे, और अगर y beta है तो x भी beta, क्योंकि ये y equal to x है ना, beta कॉमा beta, यहाँ से ये डिस्टेंस beta है और यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस अल्फा है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, अल्फा माइनस बीटा, तो इसकी लेंथ मिली हमको अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट कौन बताएगा, हाइट कितनी होगी, अल्फा बीटा, बीटा, किसी को डाउट, ये हो गया 1/2 टू अल्फा माइनस बीटा। अब ये दो वेरिएबल किसी एक में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमको क्या गिवन है कंडीशन, कि किस पे है, इलिप्स पे, और इलिप्स पे तो हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, तो दोनों थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ही पैरामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, yes. इसलिए मैंने कोनिक पढ़ाते हुए आपको बोला था कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ध्यान रखना, हमारे 12th में बहुत काम आने वाले, भी हम एनसीईआरटी करेंगे तब भी वो बहुत ज्यादा काम आए, क्योंकि दो वेरिएबल को एक पैरामीटर में कन्वर्ट करता है। फिर से बता रहा, पैराबोला का होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, 80 स्क्वायर कॉमा 280, सर्कल का होता है r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, इलिप्स का होता है a sin थीटा कॉमा b, तो ये cos थीटा कॉमा b sin थीटा, और हाइपरबोला का होता है a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। बात समझ आई, अब बताइए एरिया a क्या लिखो, 1/2 2 अल्फा कितना, 2 3 cos थीटा, डिफरेंशिएशन dA by d थीटा, पता है dA by d थीटा, तो 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है, इस sin थीटा का कर लेते हैं, क्या मिलेगा 2 cos थीटा, और ये टर्म पूरी है जितनी लिख सकते हो, 3 cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 2 कांस्टेंट, ये sin थीटा का हो चुका, अब बताओ इसका 3 cos थीटा माइनस sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos थीटा cos थीटा माइनस अब ये टू साइन थीटा माइनस रूट थ्री साइन थीटा, टू माइनस रूट थ्री साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन टू थीटा। इस स्टेप का किसी को डाउट है बोलो, ये कितना होता है, कॉस टू थीटा, टू रूट थ्री कॉस टू थीटा, टू रूट थ्री कॉस टू थीटा, ये वो डी पी ए बाय डी थीटा, ठीक है,
अब इसके बाद तो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है क्या करना, ए बाय टू कॉमन निकालना है, फिर टू से डिवाइड करना है, ए फोर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचेगा, रूट थ्री बाय टू कॉस टू थीटा माइनस वन बाय टू साइन टू थीटा, समझ गए। यहाँ पे लिखूंगा साइन 60, रूट थ्री बाय टू की जगह क्या लिखूंगा साइन 60, और इसकी जगह लिखूंगा कॉस 60, फिर हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या होता है कॉस बी साइन ए माइनस सी, ये होगा फोर टाइम साइन ए माइनस बी टू थीटा माइनस बाय बाय। अब ये क्या होना चाहिए, ए बाय बी का क्या होना चाहिए जीरो, ये हो गया जीरो। बोलो ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो होगा तो टू थीटा माइनस बाय बाय देखो कितना लिखूं, अल्फा कितना होगा बोलो और साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा कोई डाउट है, सर सर 3 बाय 2 3 cos थीटा cos 3 cos 30 degree कितने लोगों को डाउट है और किस स्टेप में डाउट है वो भी बताओ, आपको जहां जहां डाउट है आपके डाउट क्लियर करता जाए। बोलो है डाउट, किसी को डाउट नहीं है, कितनी अच्छी क्लास, किसी को डाउट नहीं, बिना बोर्ड को देखे समझ आ। Thank you.
तो ये पॉइंट निकाल रहा है ये वाला लाइन और इलिप्स इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सॉल्व तो कर लेता लेकिन बाद में पता नहीं चला निकला क्या वो ढूंढना पड़ता है पॉइंट क्या है। ये समझ में आया आपको ये वाला तो समझ है क्या पूछा है मैं आपको हिंट देता हूँ आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ। फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व इस कर्व पे कोई पॉइंट ठीक है एम के अभी वो पॉइंट है एम इसके कोऑर्डिनेट एच कॉमा के क्लियर अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट एच है तो के को क्या लिख सकता है टर्म्स ऑफ एक्स के टर्म्स पहले टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढोगे इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन उस टेंजेंट की इक्वेशन के अंदर एक्स जीरो पुट करोगे तो वाई मिलेगा ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट आपके पास ये रहा इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला डी यूज करो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस ये बन गया आपका फंक्शन। अब ये फंक्शन को क्या करना है शॉर्ट एक्स मिनिमम इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइड ऑफ एक्स में आएगी जीरो पुट करो एक्स फाइंड करो ये पुट करो तो आपको पॉइंट मिलेगा समझ गए ये लोग आप लोग कॉल करना।